बागमती ने मुजफ्फरपुर जिले में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर, रास्ते, गलियां और स्कूल हर ओर पानी का कब्जा है। घरों पर कब्जे किए बैठे जल देवता ने लोगों को बेघर कर दिया है। औराई प्रखंड के बभनगामा में 500 परिवार बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं, जिससे औराई के बभनगामा गांव के लोग ऊंची जगह पर पलायन कर रहे हैं। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि कैसे एक माँ अपने बच्चों सहित घर छोड़ने पर मजबूर हो गई है। समस्या खराब है, घर में बहुत पानी रहता है, बच्चा लोग के रहने के साधन नहीं है, सब के बाहर पहुंचाते हैं, नहीं घर सब जा रहा है। कब से पानी बढ़ रहा है? कल से। कहाँ जाके रहेंगे आप लोग? आप लोग के अब तो जगह है ये नहीं, बांध पर लोग रही और कहाँ रही है, कोई साधने न है। कितना परिवार है जो घिर गया है? ये परिवार तो 7 आदमी है, ये बच्चा सब 7 आदमी है। सब कहाँ जा रहा है? सब वही बांधे पर रही है, न तो नैहर में कोई साधन मिली तो नैहर जाई है और कहाँ जाई है। कितना दिन रहना पड़ता है आप लोगों को बाहर? 2 महीना 3 महीना परेशानी हुआ है, 1 दिन के बात है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? कहाँ कुछ मिलो है, पड़ो के साल में इतना हम सब डूब धंस गए, इतना सब लोग वीडियो बना के ले गए मगर कुछ न मिले। हर साल यही काम है, मगर एगो पनिक तक न मिलो। बाढ़ के आतंक की इस तस्वीर को भी देख लीजिए। जब घर में पानी भर गया तो कैसे ये शख्स जरूरी सामान के साथ घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। आजकल 4 साल से कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को बराबर पानी में इसका झेलना पड़ता है। वो हमें बोक्ची गांव बसगट्टा पंचायत में पड़ता है। अभी क्या समस्या हो रही है? अभी समस्या हो रहा है, हम लोगों पानी में डूब रहे हैं, जो डूब रहे हैं बहुत डर पानी है, बहुत छाती पानी है, पूरा परिवार घर से बाहर निकल के रोड पर हम लोगों शरण ले रहे हैं। जबकि रोड के भी 7 फीट था ऊंचाई करना, वो भी 4 फीट ऊंचाई करके छोड़ दिया गया है। इसके लिए हम लोगों भारी दुखित हैं। और बीजेपी के कहते हैं, बीजेपी के हम लोगों वोटर बन जाते हैं, जब वोट लेने के बाद में कोई सुनवाई नहीं। राम सूरज जी बाप बाप कर रहे थे, लेकिन वोट लेने के बाद में कोई सुनवाई नहीं, कोई देख रेख नहीं हो रहा है, न रोड किया न जनता के लिए। अभी क्या समस्या हो रही है, कहाँ जाएंगे आप लोग? हम लोगों शरण लेंगे रोड पर, खाने पीने का भी हम लोगों को कोई उपाय नहीं है। जबकि हम लोगों को गैस कट्टा पीपा पुल के भी स्थिति वही है, गंगिया रोड के वही स्थिति, हम लोगों डूब धंस के पानी गैस भरवाने के लिए या तो गंगिया जाना पड़ेगा नहीं तो कट्टा जाना पड़ेगा, और वो रास्ता बंद है। और डॉक्टर दवा बीरों के लिए भी समस्या यहाँ बहुत गंभीर है। मुजफ्फरपुर जिले के 2 प्रखंड औराई और कटरा बाढ़ के पानी से प्रभावित होने लगे हैं। तो कुछ लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऊंची जगहों पर बांस बल्ला लगाकर रहने का जुगाड़ कर रहे हैं। यहाँ तो इतना बड़ा समस्या है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। गाड़ी घोड़ा का बात तो दूर रहे, पैदल भी कटरा आना जाना एक विदेश के यात्रा से भी काफिर है। जो घर से लोग निकलते हैं वह सुबह में लौट के घर जाएंगे कि नहीं, ये उनके बाल बच्चा के प्रति पूरा आसरा रहता है कि हमारे पिताजी या भाई या बहन या जो भी कटरा गया है वो शाम में लौट के आवेंगे कि नहीं आवेंगे। अभी क्या समस्या उत्पन्न हुई है आने में आपको? हमारे आने में तो अभी इतना समस्या उत्पन्न हुई है कि हम कटरा पैक्स गोदाम के नज़दीक से हिलते हिलते अभी यहाँ पर हम खड़े हैं। घर से गाड़ी मंगवाए हैं जो कि आप भी देखे कि गाड़ी हमारी बंद हो गई पानी में। बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बागमती नदी के दोनों तरफ पानी चढ़ चुका है, जिससे 14 पंचायत के लोगों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है, जिसके कारण आने जाने के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा लेना पड़ रहा है। आने जाने को लेकर जो चचरी का पुल बनाया गया था वो भी बाढ़ के पानी में ध्वस्त हो चुका है। बभनगामा गांव है औराई क्षेत्र में, जो कि हर साल बाढ़ का समस्या बना रहता है यहाँ, समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम लोग हैं पुनर्वास के, हम लोगों को मिल क्या नाम है, पुनर्वास का जो पैसा है वो हम लोगों को जो है मुआवजा मिल चुका है, लेकिन पुनर्वास का जो ज़मीन है वो हम लोगों को नहीं मिला है।
है ना, और सरकार इस चीज़ पे गौर कर नहीं रही है। हर साल हम लोग बाहर का मार झेलते हैं, पानी आता है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे तकरीबन 400 से 500 घर हैं, हाँ आबादी अच्छी खासी है गांव की, फिर भी इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होता है। कोई भी नेता विधायक कोई भी आता है, कहता है कि साहब आपका गांव का कोई सुनवाई नहीं होगा, आप लोग जो है इसमें है क्या नाम है ढाब है, हाँ सरकार के नाम से रजिस्टर से आपके गांव का नामे कट गया, कोई सुनने को तैयारी नहीं है हम लोग की समस्या को। गवा पंचायत का बभनगवा पश्चिमी गाँव है, जिसमें अभी 2100 की संख्या यहाँ आबादी है। रातों रात बाढ़ का पानी आ गया है, और ये फर्स्ट बार नहीं आया है, यहाँ आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे डीएम से लेकर के सारे पदाधिकारी आते हैं, लेकिन जब परेशानी में रहता है सिर्फ इतना ही काम किया जाता है कि उसको बोर्ड से निकाल करके बाहर कर देना, लेकिन इसके समस्या को दूर करने वाला कोई नहीं है। जबकि बांध बनाया था उस वक्त ही प्रशासन को सोचना चाहिए कि जब इतने गाँव को आप बचा रहे हैं और इतना बांध के अंदर में आ रहा है, तो उसको तो पहले बाहर कर करके तब बांध बांधना चाहिए। तो और लोगों को बचा करके और जान बूझ करके इतने लोगों को यहाँ रखे हुए हैं, जो आए दिन घटना यहाँ होते रहता है। और बाढ़ का पानी अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी आना बाकी है। कुछ लोग जो है ऐसे भी हैं जो एक महीना पहले बांध पे व्यवस्था करने लगते हैं पोलोथीन का, कि किसी तरह से गुजर बसर करना है, क्योंकि जानते हैं कि हर साल बाढ़ का पानी आएगा ही। बाढ़ के कारण कई निचले स्थानों में रह रहे लोग ऊंचे जगहों पर पलायन कर चुके हैं, तो कई लोग रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। इस गांव के लोगों की बदकिस्मती देखिए, 2 से 3 महीने तक गांव छोड़कर रिश्तेदार या बांध के किनारे रहना पड़ता है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।